Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. अच्छा बेटा, ये जो सील अभी हुआ है ये कब सील हुआ है? ये कौन सा मोहल्ला है? ये तो मोहल्ला मस्जिद रोड है सर। ये सामने वाला उधर पीछे का कौन सा मोहल्ला है? कौन मोहल्ला सील हुआ है? वो डीपाली में आता है सर। वो जो सील हुआ है वो डीपाली में सर, ये कै बजे सील हुआ है? ये सवेरे 8 बजे सील हुआ है सर। अच्छा, पूरी प्रशासन आई थी? पुलिस तो नहीं आए हुए थे, मगर बीडीओ साहब आए हुए थे। बीडीओ साहब सील करके गए हैं। अच्छा, सुबह कितने बजे सील किए? वही 8:30 में। अच्छा, 8:30 बजे के बाद से क्या कोई पुलिस वुलिस आया इधर या ऐसे ही है? उसको बाद में तो कोई नहीं आया। यहाँ कोई पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं है? जी नहीं सर। देखिए नजारा है पालीगंज अनुमंडल मुख्यालय बाजार के सोनारी गली का, जो पुरानी बाजार के भी नाम से जाना जाता है। ये देखिए हम तीन मुहाने पे खड़े हैं, सभी चौक चौराहों के सामने से सभी दुकानें बंद नजर आ रही है, बिल्कुल सड़कें सुनी हो चुकी है। अच्छा बताइए, बैरियर कब लगा है? 3:30 बजे। 3:30 बजे लगा है। अच्छा, यहाँ बताइए कोई अब तक कोई पदाधिकारी या दंडाधिकारी कोई है या नियुक्त है या कोई आया है या नहीं? अभी तक तो नहीं आ रहा है, लेकिन घूम रहे हैं। पुलिस प्रशासन की टीम घूम रही है, लेकिन यहाँ पे कोई अस्थायी दंडाधिकारी नहीं है? नहीं, कोई यहाँ पर नहीं है, किसी को ड्यूटी नहीं दिया गया। जी जी, देखिए कुछ ग्रामीण है जो कहते हैं कि अभी तक किसी पदाधिकारी यहाँ नहीं आया है, जबकि ये कंटेनमेंट जोन घोषित हो गया है, बैरियर सामने लगी हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि कल बड़े पैमाने पर पालीगंज अनुमंडल मुख्यालय क्षेत्रों से कोरोना के से संक्रमित होने की मरीजों की खबर आने के बाद ये देखिए यहाँ नज़ारा बदला बदला है। खड़े हैं पालीगंज अनुमंडल मुख्यालय बाजार स्थित थाने गेट के पास। यहाँ भी देखिए गेट में ताले बंद हो चुके हैं, साथ में अगल बगल पूरी बाजार जो है लगभग सुनी हो चुकी है। सड़के पे इक्के दुखे लोग नजर आ रहे हैं। ये नज़ारा है पालीगंज अनुमंडल मुख्यालय बाजार का।